नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ हम अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई और फैमिली के सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे फ्रेंड बात करते हैं हम लोग यूपीएससी और एसएससी की एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में तो कोरोना काल के चलते यूपीएससी और एस का कैलेंडर जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्या इफेक्ट पड़ रहा है कोरोना का हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एग्जाम स्टोर लगातार आपके लिए लेटेस्ट अपडेट और प्रतियोगी परीक्षाओं की, की तैयारी कराता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स चेक इट साल 2020 सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काफी बुरा साबित हुआ है कोरोना के चलते बड़ी बड़ी परीक्षाएं यूपीएससी एसएससी को स्थगित करनी पड़ी कई नोटिफिकेशन में देरी होने की वजह से अभ्यर्थियों को अपने ओवर एज होने का डर सता रहा है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कोरोना महामारी व बाढ़ से प्रभावित अभ्यर्थियों ने २०२१ की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका देने की मांग की है केंद्र सरकार ने कहा है कि वह इस संबंध में यूपीएससी के साथ बातचीत कर रही है फ्रेंड यहाँ आप लोगों ने देख लिया है कि जहाँ ओवर एज को लेकर स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगे हैं तो उस पर बातचीत यहाँ लगातार चल रही है यहाँ हम उन बड़ी भर्ती परीक्षाओं की बात करेंगे जो कोरोना की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जब देश में कोरोना महामारी फैली तब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू चल रहे थे आयोग ने कोरोना लॉकडाउन के चलते 23 मार्च से 3 अप्रैल के बीच होने वाले सिविल सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू पोस्टपोन यानी स्थगित कर दिए इसके बाद ये इंटरव्यू 20 जुलाई से 30 जुलाई तक हुए आयोग ने उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाने के लिए विमान के किराए का भुगतान किया सिर्फ चार दिनों के भीतर चार अगस्त को सिविल सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम जारी किया गया सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 पहले 31 मई को होनी थी लेकिन कोविड 19 महामारी के चलते आयोग ने इसे स्थगित कर चार अक्टूबर को निर्धारित कर दिया सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन चार अक्टूबर को किया गया था यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन आठ जनवरी 2021 से सत्रह जनवरी 2021 के बीच किया जाएगा तो फ्रेंड यहाँ एक अहम जानकारी निकल के आ रही है आपके सामने कि यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का आठ जनवरी 2021 से सत्रह जनवरी 2021 के बीच किया जाएगा यानी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 2020 की वो कब कंडक्ट होगा आठ जनवरी 2021 से सत्रह जनवरी 2021 के बीच कंडक्ट किया जाएगा जबकि मुख्य परीक्षाओं का आयोजन आमतौर पर यूपीएससी सितंबर अक्टूबर माह में करवा देती है हर वर्ष यूपीएससी अप्रैल माह में सीएमएस का नोटिफिकेशन जारी करती है और परीक्षा जुलाई में आयोजित होती है लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के चलते भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल पटरी से उतर गया है नोटिफिकेशन आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा तिथियां आगे खिसकती गई हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज यानी सी एम एस परीक्षा दो हज़ार बीस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन दो हज़ार बीस और इंडियन स्टेटिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन दो हज़ार बीस को भी स्थगित किया गया है अगस्त दो हजार बीस में होने वाली इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मुख्य परीक्षा को भी स्थगित किया गया कोरोना के चलते इस साल नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए डी एंड नेवल एकेडमी एनए की सिर्फ एक कॉमन परीक्षा हुई हालांकि उनको दो अलग अलग रिजल्ट निकाले गए संघ लोक सेवा आयोग यू ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ई में ईओ और ए पद पर भर्ती के लिए चार अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी अब ये परीक्षा नौ मई दो हजार इक्कीस को होगी तो ई वाले यहाँ ध्यान दें कि उनका एग्जाम 9 मई 2021 को होने वाली है सी असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2020 के नोटिफिकेशन में भी काफ़ी देरी हुई कोरोना वायरस से जंग में सरकार की मदद करने के लिए यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों ने स्वैच्छिक तौर पर एक वर्ष तक अपनी बेसिक सैलरी से तीस फीसदी की कटौती करने का भी फैसला लिया अब बात करते हैं एस की यू की तरह एस को भी मार्च से अगस्त सितंबर तक अपनी कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं परिणाम व नोटिफिकेशन टालने पड़े सी एच एस एल सी जी एल स्टेनोग्राफर जैसी कई भर्ती परीक्षाएं लटक गई एस एस सी सी एच एस एल टीयर फर्स्ट दो हज़ार उन्नीस और एस एस सी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की नई तिथियों की घोषणा स्थगित कर दी गई है अप्रैल में एस एस सी का बयान आया कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी टेन प्लस टू लेवल परीक्षा टीयर फर्स्ट दो हज़ार उन्नीस जूनियर इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट परीक्षा दो हज़ार उन्नीस और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी परीक्षा 2019 एवं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के लिए कौशल परीक्षा लॉकडाउन का दूसरा चरण तीन मई के बाद ली जाएगी एसएससी ने 30 अप्रैल को आने वाले एमटीएस पेपर 2019 रिजल्ट को स्थगित कर दिया है 5 मई को जारी होने वाले एसएससी एस सी थर्ड रिजल्ट को भी टाला गया है एस एस सी सी जी एल दो हज़ार बीस और सी एच एस एल भर्ती दो हज़ार बीस के नोटिफिकेशन में भी देरी हुई है तो ये रहा कोरोना से जो है प्रभावित हुई है किस तरीके से कैलेंडर मैंने आपको बता दिया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए के लिए गुड बाय टेक जय हिंद दोस्तों लव यू ऑल